जिला हुकूमत दादू की जानिब से आल सिंध शहीद बेनजीर भुट्टो फुटबॉल टूर्नामेंट का इफ्तिताह डीसी दादू डॉक्टर नियाज अली अब्बास ने किया। सिंध भर की 16 टीमें टाइटल अपने नाम करने के लिए मुकाबलों में शरीक हैं। गवर्नमेंट के माली तावन से और फुटबॉल एसोसिएशन दादू के 16 टीमों ने इस टूर्नामेंट में शरीक हुई हैं। 16 की 16 टीमों ने जैकबाबाद से टीमें आई, उस्ता ममन से टीम आई। आज जो कि तकरीबन 15 तारीख से 24 तारीख तक आल सिंध शहीद बेनजीर फुटबॉल टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ अभी, और इसमें से तकरीबन 16 टीमें आ गए हैं सारे सिंध से। शहर में 15 साल के बाद फुटबॉल के बड़े इवेंट के इनका से शायकीन फुटबॉल ने भरपूर मुसरत का इजहार किया है। लोगों की फुटबॉलर्स की बिलखसूस जो है ताबून जारी रखें और उनको मीडिया में रोशनात कराएं ताकि डिस्ट्रिक्ट दादू से पाकिस्तान को अच्छे फुटबॉलर मुहैया हो सके। बहुत ज़्यादा तादाद जो है अपना दादू की वो तलक रखती है तकरीबन देहाती लोगों के साथ। मुकाबलों में शरीक खिलाड़ी भी खुश हैं, उनका कहना है हुकूमत सरपरस्ती करे तो वो शानदार कारनामे अंजाम दे सकते हैं। दादू डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने हमें मौका दिया है फुटबॉल को फरोख को आगे बढ़ाने के लिए, ये बहुत हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है क्योंकि जो फुटबॉल टूर्नामेंट हुआ है और बहुत सक्सेसफुल हुआ है, और सबसे पहली बात कि हमारी ये जो टीम है ये माशाल्लाह से इनकी वो प्रिपरेशन है वो लेवल है, लेकिन अगर हमारे पास ग्राउंड वगैरह हो तो हमारा जो कैलिबर है वो इंशाल्लाह हम पाकिस्तान लेवल पे भी खेलेंगे। हम इस हर मैच में बड़ी तादाद में शायकीन खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए मौजूद रहते हैं। शहरियों का कहना है कि बड़े टूर्नामेंट का तसलसल के साथ एहतमाम किया जाए ताकि अंदरूनी सिंध के नौजवानों के सलाहियतों के भरपूर इजहार का मौका मिल सके। खालिद अहमद समा दादू।